Hey guys, Namaskar, Sashyakal, Assalamualaikum. Welcome everyone to this channel. मैं हूँ ममता सचदेवा एक बार फिर से आप सबके साथ में और बहुत टाइम से ही कुछ एक वीडियोज हैं जो मेरे लाइंड अप हैं हमेशा से करने के लिए. आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीजें जानना और मैंने आज डिसाइड किया कि क्यों नहीं इसके ऊपर ही एक या दो वीडियोज बना दी जाए. एक वीडियो इससे पहले भी मैंने बनाई है विच विल बी रिलीजिंग सून और मे बी देखूंगी कि क्या राइट टाइम है उसको रिलीज करने का क्योंकि ये भी बहुत जरूरी होता है कि जो इन्फॉर्मेशन है वो सही ऑडियंस तक सही टाइम पे पहुंचे. तो आज जो मैं आपके लिए लेके बैठी हूँ ग्राउंड स्टाफ के ऊपर एक चर्चा है. ग्राउंड स्टाफ क्या होता है, क्या डिपार्टमेंट्स होते हैं और क्या उनके काम रहते हैं, पूरा तो बिल्कुल भी हम कवर नहीं कर सकते. किसी भी चीज को अगर लेके हम बारीकी में छानने जाएंगे तो उसमें हमें दिन रात लग जाएगा. मतलब लिटरली अगर मैं कहूं तो 100 वीडियोस इसके ऊपर बन सकती हैं कम से कम. तो मैं आपको सिर्फ उतना और उसी लैंग्वेज में बताऊंगी जिससे कि आपको थोड़ी सी क्लैरिटी हो जाएगी. जो लोग भी आई एम श्योर मोस्ट ऑफ अस इंक्लूडिंग माई सेल्फ, पहले जब मैंने ज्वाइन नहीं किया था तो मैंने भी कभी एयरपोर्ट का चक्कर नहीं लगाया था. हमारे यहाँ पे ऐसा रिवाज नहीं है कि यंगस्टर जो बच्चे हैं 16-17 साल के उठे बैग उठाएं और बोले मम्मी मैं जरा बैंकॉक होके आ रहा हूँ या मैं घूमने जा रहा हूँ मलेशिया जा रहा हूँ या मैं एक फ्लाइट लेकर दूसरी जगह जा रहा हूँ. तो बहुत कम ऐसे स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं जिनको ये लिबर्टी है कि वो एक से दूसरी जगह कभी एयरपोर्ट पे गए हों, कभी उन्होंने एयरलाइन यूज की हो, एक्सेप्ट कि अगर किसी के पेरेंट्स ने कोई प्लान किया हो और बच्चे उनके साथ कभी गए हों एयरपोर्ट में तो उस केस में हम एग्जेम्प्टेड हैं. एल्स बहुत सारा ऐसा क्राउड है हमारे देशों में जिन्होंने आज तक एयरपोर्ट की शक्ल भी नहीं देखी है. तो इसलिए उनके लिए जानना किसी जॉब में जाने से पहले कि वहां होता क्या है वो बहुत जरूरी है. तो इसीलिए आज मैंने अपने शब्दों में बिल्कुल सिंप्लीफाई करके ये वीडियो बनाने की कोशिश की है ताकि आपको मैं बिल्कुल देसी तरीके में और क्लियरली समझा पाऊं कि क्या होता है ग्राउंड स्टाफ. ओके, कमिंग टू द एयरपोर्ट फर्स्ट, वी विल स्टार्ट विद द एयरपोर्ट. एयरपोर्ट में क्या होता है, एयरपोर्ट में हजार तरह के डिपार्टमेंट्स होते हैं, बहुत ही तरह के डिपार्टमेंट्स होते हैं जिनमें जिनको बेसिकली एक दूसरे के बिल्कुल साथ में काम करना पड़ता है किसी भी एक फ्लाइट को सक्सेसफुल करने के लिए. एयरपोर्ट में इतने सारे डिफरेंट एयरलाइंस जो हैं वो आते हैं, उनका जहाज आके रुकता है, बहुत सारा काम जहाज से रिलेटेड होता है, बहुत सारा काम जो होता है वो पैसेंजर से रिलेटेड होता है, बहुत सारा काम एयरपोर्ट में टिकटिंग से रिलेटेड होता है और भी चीजें बता दूं, बहुत सारा काम एयरपोर्ट में सिक्योरिटी सेफ्टी से रिलेटेड भी होता है. और एक और चीज आपको बता दूं, एयरपोर्ट में बहुत सारा काम वीआईपी पैसेंजर्स को लेके भी होता है. वीआईपी हो गए या बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो एम्बेसी को बिलोंग करते हैं, राजनीतिज्ञ होते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं जिनको हम बोलते हैं, या कोई स्पेशल कैटेगरी पैसेंजर्स भी होते हैं जैसे कोई ब्लाइंड है तो उनकी हेल्प के लिए भी डिपार्टमेंट होता है, अगर कोई दूर चल नहीं सकता तो उनके लिए भी व्हीलचेयर एक डिपार्टमेंट होता है, या और भी कई तरह के ऐसे डिपार्टमेंट्स होते हैं जो एक फ्लाइट को सक्सेसफुली टेक ऑफ करने से पहले जो भी उसका काम है उसको करने में मदद करते हैं. उन सबको ही इन अ वे ग्राउंड स्टाफ एक जनरल टर्म में कहा जाता है लेकिन सबके टाइटल अलग अलग होते हैं. तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि सबसे पहले जब कोई पैसेंजर जाता है, मान लीजिए किसी ने फ्लाइट लेनी है तो वो सबसे पहले कहां जाएंगे, वो जाएंगे चेक इन काउंटर पे. चेक इन काउंटर के ऊपर जाकर वो अपना बैगेज जमा कराते हैं जहां से उनको एक बोर्डिंग कार्ड मिलता है और जहां से उनकी फ्लाइट की बेसिकली शुरुआत होती है. तो ये एक डिपार्टमेंट होता है जिसमें वो लोग सिर्फ चेक इन को ही हैंडल करते हैं, वो भी ग्राउंड स्टाफ होता है जो पैसेंजर्स की चेक इन करने में मदद करता है. वो एक काउंटर पे बैठे होते हैं, उनके सामने लाइन बनाकर पैसेंजर्स खड़े होते हैं, अपनी बारी से जब वो उनके काउंटर पे जाते हैं अपना पासपोर्ट देते हैं, अपनी टिकट दिखाते हैं और डिटेल्स वो जो है ग्राउंड स्टाफ कंप्यूटर में डालता है, चेक करता है और उनको बोर्डिंग कार्ड जो है उनकी फ्लाइट की, मान लीजिए एक तरह का छोटा कार्ड होता है, उनको प्रिंट करके देता है. सिंपल वर्ड्स में समझाने की कोशिश की है, मैं बहुत टेक्निकल नहीं जाना चाहती. एक तो ये डिपार्टमेंट होता है जो चेक इन करने में मदद करता है. इसके अलावा मान लीजिए एयरपोर्ट पे कोई गया, किसी को कंप्लेंट करनी है, तो कस्टमर सर्विस भी डिपार्टमेंट होता है, उसको भी हम ग्राउंड स्टाफ ही बोलेंगे. तो वो क्या करते हैं, जैसे मैं एयरपोर्ट बहुत जल्दी चली गई अपनी फ्लाइट से, मैं पैसेंजर हूं, अगर मेरी कोई वहां से रिलेटेड कंप्लेन है तो मैं कस्टमर सर्विस पे जाके कंप्लेन कर सकती हूँ. कस्टमर सर्विस के ऊपर जाकर मैं उनसे कोई भी क्लैरिफिकेशन ले सकती हूँ कि मेरी जो फ्लाइट है वो कौन से काउंटर पे चेक इन होगी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, या कोई मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट है तो मैं कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट पे जा सकती हूँ. तो वो भी एक तरह की ग्राउंड सर्विस, ग्राउंड स्टाफ सर्विस ही है एक तरह से, बट उनका टाइटल जो है वो अलग तरह का ही रहता है. तो ये दो चीजें हो गई. उसके अलावा केटरिंग स्टाफ भी होता है. केटरिंग होती है एयरपोर्ट में जो जहाज आके खड़े होते हैं उनमें जो खाने पीने की सहूलत देने के लिए जो केटरिंग स्टाफ होता है वो भी एक तरह से ग्राउंड स्टाफ है लेकिन वो केटरिंग के अंडर आता है, वो केटरिंग करते हैं.
सो मैं केटरिंग के ऊपर बात कर रही थी, तो ये जो केटरिंग डिपार्टमेंट होता है वो मेक श्योर करता है कि फ्लाइट के ऊपर प्रॉपर खाना, जितने पैसेंजर्स हैं उनके अकॉर्डिंग खाना, पीना, जूसेस, जो भी चीज एयरलाइन की रिक्वेस्ट है वो सही तरीके से वहां पहुंचे, फिर वो केटरिंग फॉर्म के ऊपर साइन लेते हैं। एक तरह की ये जॉब्स भी होती हैं। उसके अलावा होते हैं कस्टमर सर्विस एजेंट्स होते हैं, जो बेसिकली फ्लाइट जब आती है, जो भी फ्लाइट के मैसेजेस, क्रू की कोई रिक्वेस्ट है उसको ग्राउंड स्टाफ तक पहुंचाते हैं, या कोई भी ग्राउंड से रिलेटेड पैसेंजर्स को इकट्ठा करना, कोई पैसेंजर अगर गुम गया उसको एयरपोर्ट में ढूंढना, या ग्राउंड स्टाफ की चेक इन में मदद करना, तो इस तरह का भी एक डिपार्टमेंट होता है। चेक इन स्टाफ के बारे में ऑलरेडी मैंने बात की है। उसके अलावा सिक्योरिटी स्टाफ भी होता है। मैंने देखा है एयरपोर्ट पे जहां से सामान बेसिकली अंदर जाता है, बेसिकली जब आप एयरपोर्ट के अंदर जाते हैं तो तब तो जो पुलिस है मेरे ख्याल से वो वहां खड़ी रहती है डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के लिए, लेकिन एयरपोर्ट के अंदर जगह जगह पे आपको सिक्योरिटी वाले जरूर खड़े हुए मिलते हैं। वो पुलिस नहीं होते, किसी स्पेशल सर्विसेज के नहीं होते, कई बार सिक्योरिटी वाले जो एयरलाइंस हैं वो भी सिलेक्ट करती हैं कुछ एक रीजन से। मान लीजिए कुछ एयरलाइन वाले उनसे क्वेश्चन करना चाहते हो, कोई उनको डाउट हो, कुछ हो, या सीधी बात अगर एयरक्राफ्ट आके रुकता है जैसे दिल्ली में या बॉम्बे में, तो उस जहाज के दरवाजे के बाहर एक सिक्योरिटी पर्सनल खड़ा रहता है सिक्योरिटी के लिए। तो वो एक सिक्योरिटी वाली जॉब भी होती है, लेकिन वो करते क्या है, वो इंश्योर करते हैं कि जो भी क्लीनर्स या जो भी केटरिंग वाले ऊपर जा रहे हैं उनके आईडी वगैरह को चेक करते हैं। तो एक सिक्योरिटी डिपार्टमेंट भी रहता है। वीआईपीज को हैंडल करने वाला डिपार्टमेंट ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। उसके अलावा बैगेज सर्विसेज से रिलेटेड भी बहुत सारे लोग होते हैं कि जो पैसेंजर्स के बैग्स हैं वो सही जगह पे फ्लाइट के ऊपर लोड किए गए हैं, और अगर फ्लाइट लैंड हुई है तो वो बैगेज जो पैसेंजर्स के जहाज के अंदर लोड होते हैं उनको सही टाइम पे पहुंचाया जाए, कौन सी बेल्ट के ऊपर भेजा जाए। तो बेल्ट से और बैगेज से रिलेटेड भी बहुत सारे डिपार्टमेंट जो है वो एयरपोर्ट के ऊपर रहते हैं। वीआईपी हैंडलिंग के बारे में मैंने आपको बता दिया। वीआईपी हैंडलिंग के लिए जो डिपार्टमेंट होता है उसमें वो लोग क्या करते हैं, उसमें वो जो वीआईपी गेस्ट होते हैं उनका पासपोर्ट ले लेते हैं और टिकट ले लेते हैं। तो बेसिकली वीआईपीज को कहीं पे भी कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, तो जो एजेंट्स होते हैं वही उनका चेक इन कराते हैं। लाइन में उनको वीआईपी को खड़े होने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, उनको एक लाउंज में ले जाते हैं जहां वो वीआईपी जो है खा पी सकते हैं, और फ्लाइट में भी उनको ले जाने में, उनका बैग वगैरह पकड़ने में, सिक्योरिटी चेक करवाने में, हर चीज में जो है यही डिपार्टमेंट मदद करता है, जिससे कि वीआईपी को फील होता है कि वो वीआईपी है, उसको कोई भी बेसिकली काम खुद नहीं करने दिया जाता। तो वीआईपी हैंडलिंग जो सर्विसेज है उसका भी एक टर्म होता है, हर डिपार्टमेंट हर एयरपोर्ट में डिफरेंट टर्मिनोलॉजी से डिफरेंट नाम से बुलाया जाता है, पर मैं सिर्फ आपको एक नॉलेज के लिए ये बता रही हूं। सिक्योरिटी स्टाफ के ऊपर बात हो गई, चेक इन स्टाफ के ऊपर बात हो गई, कस्टमर सर्विस एयरलाइन ऑफिसर्स के ऊपर बात हो गई, अभी एयरक्राफ्ट ग्राउंड हैंडलिंग एजेंट्स होते हैं। बेसिकली चेक इन स्टाफ को ही कई लोग एयरक्राफ्ट ग्राउंड हैंडलिंग बोलते हैं, डिपार्टमेंट बोलते हैं। एक्चुअली पता क्या है, मैं इसलिए कंफ्यूज हूं क्योंकि बहुत सारी एयरलाइंस में, बहुत सारे डिफरेंट एयरपोर्ट्स में इनके जो कोड हैं वो डिफरेंट रहते हैं, कहीं सीएसए बोलते हैं, कहीं ग्राउंड स्टाफ बोलते हैं, कहीं कुछ और बोलते हैं, लेकिन मेरा मकसद आपको एक राइट टर्मिनोलॉजी देना नहीं है। मेरा मकसद सिर्फ आपको ये इस चीज से अवेयर कराना है कि कितने सारे डिपार्टमेंट्स हैं एयरपोर्ट्स में। तो आपको ये नहीं है खाली एक तरह की जॉब है, बहुत तरह की जॉब है। अगर मान लीजिए आपने आज कोई डिपार्टमेंट ग्राउंड स्टाफ में आपने ज्वाइन किया है, कल को आपको वो काम पसंद नहीं आता, तो नथिंग टू वरी अबाउट दैट, आपके पास अपॉर्चुनिटीज और भी आएंगे, क्योंकि आप एक बार एयरपोर्ट में घुस गए, आपने वहां एक बार जॉब करनी शुरू कर दी, अगर आपको आसपास के डिपार्टमेंट की जैसे जैसे नॉलेज होनी शुरू हो जाएगी तो आप उनके इम्प्लॉय से बात कर सकते हो कि क्या एजुकेशन की रिक्वायरमेंट है, क्या एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है। तो आप इंटरनली भी, अगर आप स्मार्ट हैं, तो आप इंटरनली भी अंदर एयरपोर्ट के और जॉब्स में ट्राई कर सकते हैं और ग्रो कर सकते हैं। मैं अपनी एक लिस्ट बनाई थी मैंने आपके लिए, तो मैं उस पर देख लेती हूं कि मैं कुछ भूली तो नहीं हूं। आई थिंक मैंने एक चीज, दो चीजों के बारे में अभी आपको नहीं बताया है। एक होता है रैंप स्टाफ। रैंप होता है एयरपोर्ट में जो जहाज जहां खड़ा होता है उसके आसपास जो एक्टिविटी कार्गो से रिलेटेड चलती है, कार्गो होता है जहां पे पैसेंजर्स का सामान लोड होता है, तो उसके आसपास की एक्टिविटी को मॉनिटर करने के लिए रैंप एजेंट्स भी होते हैं, जो मेक श्योर करते हैं कि सही जगह पे हर चीज को लोड किया गया है। ऐसा नहीं होता कि बैग को कहीं भी जहाज पे चढ़ा दो, वेट मैनेजमेंट होती है बैलेंस करने के लिए एयरक्राफ्ट को, तो उस सब चीज को भी देखने के लिए रैंप स्टाफ भी होता है। तो उनकी भी जॉब्स रहती हैं, कार्गो स्टाफ अलग से रहता है, कार्गो प्लेन्स जो होते हैं जो एक से दूसरी जगह बहुत सारा सामान किसी कंपनी का लेके जाते हैं उनको कार्गो प्लेन्स कहा जाता है। तो कार्गो से रिलेटेड भी बहुत सारी जॉब्स होती हैं। कार्गो पे एक बेसिक स्टाफ भी होता है जो कार्गो चढ़ाता है, सुपरवाइजर्स भी होते हैं, उसके मैनेजर्स भी होते हैं, उनके वीपी भी होते हैं, तो बहुत सारा स्टाफ वहां पे भी रहता है।
एक और तरह का स्टाफ ग्राउंड स्टाफ में रहता है, जो लोग पोर्टर्स होते हैं, जो लोग मदद करते हैं ट्रॉली को पुश करने में, जो लोग व्हीलचेयर्स को पुश करते हैं, और जब लोग चेक इन करते हैं उस बेल्ट के ऊपर भी स्टाफ खड़ा होता है जो बैगेज को बेल्ट के ऊपर जब वेट चेक होता है आपके बैगेज का कितना वेट है उसको चेक करने के लिए भी जो स्टाफ वहां खड़ा रहता है उनकी भी ड्यूटीज होती हैं। उसके अलावा भी आई एम श्योर एयरपोर्ट में मान लीजिए टॉयलेट क्लीनर्स भी जो एयरपोर्ट के होते हैं तो इन अ वे वो भी एयरपोर्ट के लिए ही काम कर रहे हैं। तो इतने सारे डिपार्टमेंट्स हैं जिसके बारे में अगर मैं डिटेल में चर्चा करने जाऊं तो बिलीव मी आपको बहुत सारे दिन चाहिए समझने के लिए। मेरा सजेशन आप सबको ये है, लाइफ में एक बेसिक नॉलेज आपने गेन कर ली कि एयरपोर्ट में क्या सिस्टम होता है, आपको अभी थोड़ा बहुत आई एम श्योर इस वीडियो के बाद हल्का हल्का सा अपने माइंड में समझ आ गया होगा कि एयरपोर्ट में खाली एक तरह का डिपार्टमेंट नहीं, हजार तरह के डिपार्टमेंट्स होते हैं। मेरा सजेशन आपको ये है, पढ़ाई कीजिए, पढ़ना मत छोड़िए, जॉब के लिए अप्लाई कीजिए, जॉब में जाइए, आपको ट्रेनिंग दी जाएगी उसको सीखिए, ट्रेनिंग से कुछ सीखिए, एक्सपीरियंस गेन कीजिए, और अपनी जॉब में रहते रहते ही आप अप्लाई कर सकते हैं डिफरेंट जॉब्स में भी, और फिर आप अपने आप को रियली में एक्सप्लोर कर सकते हैं कि आप रियली में क्या पसंद कर रहे हैं। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक फर्स्ट मूव लेने की बात है। जाइए, ट्राई कीजिए, कैसा लगता है आपको, क्या सीखने को मिलता है। सीखने की ना कोई उम्र है और ना सीखने का कोई तकाजा, जस्ट सीखना जो आपको मिले ना उसको आप जरूर सीखिए, और उसके बाद अगर आपको नहीं भी पसंद आ रहा तो बहुत सारी ऑप्शंस आपके लिए खुल जाएंगे क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस हो जाएगा, आपके पास इंटरनेशनल पैसेंजर से मिलने का मौका होगा, आपके पास डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के लोगों के साथ काम करने का मौका होगा। तो इससे जो आपको सीखने को मिलेगा वो एक्सपीरियंस आपको घर पे बैठे नहीं मिलेगा। सो चलिए दोस्तों, ये मेरी जो बेस्ट नॉलेज थी मैंने उसके अकॉर्डिंग एक्सप्लेन किया है। अगर कोई बहुत ही प्रोफेशनल ये वीडियो देखेगा तो वो बोलेगा कि ये क्या एक्सप्लेनेशन थी, जो मेरी बेस्ट नॉलेज के अकॉर्डिंग जो मैं एक्सप्लेनेशन आपको दे पाई वो मैंने आपको दी है आपकी मदद करने के लिए। आप इसको यूज कीजिए, इससे सीखिए, और भी अगर चैनल्स हैं जिसके ऊपर कोई इस तरह की इन्फॉर्मेशन है जरूर उसको देखिए, उनको फॉलो कीजिए, मैसेजेस कोई जो वेबसाइट्स हैं कोई भी उनको खोलिए, उसके ऊपर पढ़िए, ये करना मत भूलिए। सो दोस्तों, इसी होप के साथ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, मैं ममता सचदेवा ले रही हूं विदा। प्लीज अगर आपको वीडियो का जो भी पॉइंट अच्छा लगा है लिख के मुझे भेजना मत भूलिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने बहुत सारे लिंक आपके लिए पोस्ट किए हैं जो आपके काम के हैं, उनको देखना भी मत भूलिएगा। बाय दोस्तों।